हमारी न्यूज कवरेज के बाद मिस्टर वजाहत शहजाद से सच बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमारे न्यूज रिपोर्टर को हरासा किया और उन पर तशद्दुद करने की भी कोशिश की। यही कसर रह गई थी देखने के लिए। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? वजाहत यहां बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। वजाहत बहुत हो गया आराम, चलो उठो शाबाश, घर से निकलो और नौकरी तलाश कर। अब ये घर तुमने ही चलाना है। मैंने? हाँ तुमने, इसलिए अब कमर कस लो, जाकर नौकरी तलाश कर। कम से कम 1.5-2 लाख की नौकरी होगी तो गुजारा होगा। आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, जो मांगना है मांग लो। अबू मैं जॉब करना चाहती हूँ। तुम लोगों को इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? नहीं अबू, मैं तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जॉब करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। क्या वो अम्मी, किसकी कॉल है? निम्रा, तो रिसीव करें ना, कोई जरूरी बात हो सकती है। अम्मी तुम्हारे अब्बू? अम्मी अब्बू घर पर नहीं है, और आप तो प्लीज ऐसा मत करें। आप ही के साथ प्लीज उसका फोन उठाएं, कोई जरूरी बात हो सकती है, उसे आपकी बहुत जरूरत है। अम्मी फोन उठाएं। हेलो अम्मी, क्यों फोन किया? अम्मी मुमारी मुझे कह रही है कि मैं नौकरी करूं और उनके घर का खर्च चलाऊं। अम्मी मुझे नहीं रहना है यहाँ में, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। हमारी शादी हो गई और अब तुम्हें वहीं रहना। अभी मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे सब मुझे ताने देते हैं, कहते हैं कि उस फराज को मैंने बुलाया था कमरे में। अभी मेरा यकीन करे, उसे जो मर्जी कसम ले ले, मैंने फराज को नहीं बुलाया था। अम्मी मुझे पता ही नहीं है वो मेरे कमरे में क्यों आया। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। अम्मी आप तो मुझ पे भरोसा करती है ना, उसे एक बार कह दे। अम्मी सिर्फ एक बार कह दे कि आपको मुझ पे यकीन है। अम्मी आपको याद है बचपन में
कोई भी आपसे मेरी शिकायत करता था तो आप झट से उसको कह देती थी कि मुझे मेरी निम्रा पे यकीन है। अभी आज आज फिर से एक दफा कह दे कि आपको मुझ पे यकीन है। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है निम्रा। पुराने रिश्ते भुलाकर अपने रिश्तों के साथ जीने की कोशिश करो। कैसे रिश्ते अम्मी, जहां मुझ पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा, किसी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है, कैसे निभाऊंगी मैं ये रिश्ते? अब प्लीज प्लीज मुझे आके यहां से ले जाए, मैं यहां नहीं रहना चाहती। अम्मी, तुम्हारे अब्बू की कॉल आ रही और तुम्हारा फोन ना करना। अम्मी अम्मी मेरी बात, हेलो अम्मी, मैं उससे बात तो करती हूँ, पता नहीं उसको क्या कहना था। अच्छा आप रोए नहीं, प्लीज आप नहीं रोए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी ने भी तुम्हारी मासूमियत का एतबार नहीं किया? देखो मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मुमानी हूं, दूर का ही सही रिश्ता तो है, जो कहा है वो कर लो, अच्छी रहोगी, रहना तो अब इसी घर में है तुम्हें। घर में रहकर क्या करोगी, दम घुट जाएगा तुम्हारा। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि बाहर निकलने की इजाजत दे रहे हैं हम तुम्हें। घर से निकलो, कमाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। आज का दिन है तुम्हारे पास, ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। Ha ha ha.